विगत रोज सूरत के चौक बाजार इलाके में हेलमेट पहने बगैर रास्ते पर सवार एक बाइक सवार युवक द्वारा दंड की रकम देने से इनकार करने पर चौक ट्रैफिक पुलिस और टीआरबी जवान ने युवक को ट्रैफिक पुलिस चौकी में ले जाकर डंडे से पीटा। बुरी तरह से ट्रैफिक पुलिस द्वारा युवक की पिटाई करते वक्त एक व्यक्ति कैमरा लेकर मौके पर पहुंचा, जिससे तमाम ने युवक को छोड़ दिया और टीआरबी जवान अपना चेहरा छिपाने का प्रयास करने लगे। बताया जा रहा है कि वीरेन गढ़िया नामक युवक गत रोज अपनी बाइक पर सवार होकर चौक बाजार के पास से गुजर रहा था। उसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़कर उससे लाइसेंस और आरसी बुक मांगी। युवक ने लाइसेंस और आरसी बुक पुलिस को दिखाई। उसके बाद भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा युवक के पास से हेलमेट नहीं पहनने के बदले में 100 रुपए मांगे गए। युवक ने कहा कि किसी ने हेलमेट नहीं पहना है, इसलिए मैं पैसे नहीं दूंगा। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस और टीआरबी जवान द्वारा युवक को ट्रैफिक पुलिस चौकी में ले जाकर दरवाजा बंद करके टीआरबी जवानों द्वारा युवक को पीटना शुरू किया गया। उसी दौरान एक व्यक्ति कैमरा लेकर मौके पर पहुंचा तो ट्रैफिक पुलिस और टीआरबी जवान अपना चेहरा छिपाने लगे और कैमरे से बचते नजर आए। इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जिसके बदले में उन्होंने बाइक सवार युवक को छोड़ दिया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले में ट्रैफिक एसीपी एपी चौहान ने बताया कि ऐसी कोई भी बात उनके ध्यान पर केंद्रित नहीं हुई है, हालांकि इस दिशा में उन्होंने गहराई से जांच करने की बात कही है।